लॉकडाउन के दौरान सैलून पार्लर बंद रहे और महिलाएं सजने सवरने से महरूम रही। जैसे ही सैलून और पार्लर खुलने का ऐलान हुआ तो महिलाओं ने भी पार्लर का रुख किया, लेकिन एहतियात सुनिश्चित रखने के बाद। सैलून के मालिक भी ग्राहकों को लुभाने के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बकायदा तमाम औजारों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। करीब दो महीने के बाद चंडीगढ़ में दोबारा से सैलून शॉप्स खोल दी गई हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सैलून शॉप्स में कई तरह की सावधानियां भी बरती जा रही हैं, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। हमारी टीम ने सैलून का जायजा लिया और जाना कि आखिर वहां किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, क्योंकि सैलून एक ऐसी जगह है जहां पर आने वाले ग्राहकों के साथ साथ वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी कोरोना का खतरा हो सकता है। सैलून के मालिक मोहम्मद ने बताया कि जो भी कस्टमर यहां आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले ही सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बार में दो या तीन ग्राहक ही सैलून में आ रहे हैं ताकि भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंस भी बनी रहे। इसके अलावा यहां पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें पीपीई किट पहनाई गई है, जिसमें उन्होंने गाउन, मास्क और हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं। हेलो जी, ये हम सब तरीके से, जैसे हमने अभी पीपीई किट डाली भी है और जब हमने कल सैलून आए थे हम पूरा सैलून हमने सैनिटाइज करा दिया। ठीक है जी, एक एक चीज़ हम स्टेलाइजर कर रहे हैं और क्लाइंट को कोशिश है कि अच्छे से अच्छी मतलब फैसिलिटी दें। जैसे हमने ग्लव्स डाले हुए हैं, मास्क डाला हुआ है, पीपीई किट डाली हुई है और आपने देखा सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है और हम जो थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं हर क्लाइंट की जो भी आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी गई है। जैसे हमारे सैलून में 5 चेयर थी, अब हमने 2 चेयर हटा दी है, 3 चेयर रखी हुई है। जैसे आप देख सकते हो एक चेयर इधर है, एक इसके इधर रखी हुई है, एक हमने उधर लास्ट में कोने में रखी हुई है। तो इस तरीके से हम सारी मतलब जो भी गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग टू हम सारा वर्क करेंगे। सैलून में काम कर रही महिला ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से सैलून में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। जिस तरह वह पहले आराम से काम करते थे अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये जो पीपी किट है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा, उतना नीटली या उतना फास्ट काम जो है नहीं हो पाता है, थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे होता है। जैसे थ्रेडिंग वगैरह को ही ले लो तो वो पहले हम मुंह में थ्रेड डाल के क्लीन अच्छी तरह और नीटली फास्ट हो जाती थी और सॉफ्टली भी होती थी, कस्टमर को थोड़ा पेनफुल कम होती थी। अब थोड़ा स्लो करेंगे तो थोड़ा पेनफुल भी होएगा। और थोड़ा ये इस पीपी किट डालने से एक तो हमारी अपनी सेफ्टी है और ग्लव्स वगैरह डालने जैसे क्लाइंट के साथ हमारा जो भी काम है टच होने वाला ही है मेन जो है, तो इसलिए हमारे जो ग्लव्स मेन हैं जरूरी। और पीपी किट जैसे बॉडी भी टच हो जाती है कई बार, जैसे वैक्सीन वगैरह करनी होती है, तो इसलिए पीपी किट और क्लाइंट के लिए भी सेफ है और हमारे लिए भी सेफ है। वही सैलून में पहुंची महिला ने बताया कि सैलून शॉप एक ऐसी जगह है जहां पर कर्मचारी ग्राहकों के पास आकर काम करते हैं, जिसमें वो इनके संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे में इस तरह की जगह पर सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। हम लॉकडाउन को 3 महीने हो गए हैं, तो 3 महीने में बहुत मतलब आप समझ सकते हैं लड़कियों की बुरी हालत हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम घर से निकलते हैं हम सबसे पहले अपना सिक्योरिटी का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पार्लर में आके मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन हो रखी है, अच्छी तरीके से ग्लव्स वगैरह सब कुछ उन्होंने, मास्क पहन रखे हैं। तो अभी यहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, इतना डर नहीं लग रहा है इस चीज़ का। बिल्कुल जैसे ही हम डोर से एंटर होते हैं तो सैनिटाइजर रखे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चेयर्स का जो हमें बोला जाता है कि हमें 1 फुट की दूरी रखनी है वो रखी हुई है उन्होंने पार्लर में। तो बिल्कुल मेरे को सब कुछ लगा सिक्योर एंड सेफ है यहाँ पे।